जय दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप दिख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि आप पोको X2 के अंदर आप कैसे बूट एनिमेशन जो कि MIUI 12 का इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो या बूट एनिमेशन इसके अंदर सेट कर सकते हो, जबकि MIUI 11 के अंदर आप MIUI 12 का बूट एनिमेशन कैसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे अब स्टार्टिंग हो रहा है तो सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए, जैसे MIUI 12 का बूट एनिमेशन बहुत अच्छे से रन कर जाते हैं हमारे पोको X2 के अंदर। आप MIUI डिवाइस, किसी भी डिवाइस के अंदर आप ये सेटअप कर सकते हो। ये कैसे करना है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर जाना है। गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा MIUI थीम एडिटर, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके बाद आपको चले जाना है टेलीग्राम के अंदर, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोशिश करूंगा देने के लिए। तो यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर गए, टेलीग्राम के अंदर जाने के बाद बूट एनिमेशन, ठीक है, इतना सर्च करके आपको यहाँ पे सर्च बटन में टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी साइट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंगल टैप किया मैंने, इसका लिंक मैं दे दूंगा। जैसे यहाँ पे टैप किया, इसका लिंक कॉपी करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे MIUI 12 और बूट एनिमेशन .mtg लिख रहा है, ठीक है। ये 251 KB का फाइल है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर आपको फोन को रूट करना जरूरत नहीं है, ना कि बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। तो सिंपल आप इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दीजिए, फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। जब लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर वो जो डाउनलोड होगा तो आपके कहाँ पर रहेगा जाके फाइल, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फाइल में गए, आपके फ़ोन के अंदर टेलीग्राम अगर इंस्टॉल कर रखे हो तो सिंपल जो अपने इंटरनल स्टोरेज में गए, सबसे नीचे देखोगे एक टेलीग्राम नाम से एक फोल्डर बन गया होगा, ठीक है, फाइल मैनेजर में इंटरनल मेमोरी। यहाँ पे आपको ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो, चारों फीचर्स मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में जाना है। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक बार किया था तो दोबारा भी इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे दिख रहा है .mtg फाइल, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, वापस जाना है, आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे गूगल प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है MI थीम एडिटर। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल आपको जाना है ब्राउज बटन पे, ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करिए और आपका इंटरनल स्टोरेज वो ब्राउज करेगा। यहाँ पे टेलीग्राम है, टेलीग्राम के अंदर डॉक्यूमेंट्स और ये फाइल आपके सामने है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस फाइल आपके सामने है, तो यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते कुछ छोटा मोटा एड्स आएंगे तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। फिर इसके बाद ऑप्शन आएगा नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन बाद यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपल आपको फिनिश बटन पे टैप करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल कर दोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल योर थीम हैज बीन इंस्टॉल, ओपन थीम मैनेजर एंड अप्लाइड, तो इसको ओके करिए, बैक चले जाना। फिर आपका जो डिफॉल्ट थीम मैनेजर है MIUI का आपके फ़ोन के अंदर होगा, उसको ओपन करना है। और यहाँ पे ओपन करने के बाद माई पेज में जाते हैं, जहाँ पे मैंने सेव कर रखा हूँ थीम वगैरह। देखिए यहाँ पे क्लासिक थीम हो गया डिफॉल्ट, उसके बाद ये आता है अप्लाई MIUI 12, हमें MIUI 12 बूट एनिमेशन। तो यहाँ पे इसको टैप करके अप्लाई कर दीजिए, ये अप्लाई हो गया। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, यानी पावर ऑफ करने के अलावा आपको रीबूट कर दो, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे बूट एनिमेशन जो है आपको MIUI 12 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पोको का लोगो आ चुका है, इसके बाद MIUI 12 का लोगो आपको दिख जाएगा, देखिए, है ना। बस ये था आज की वीडियो, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।